नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक कमेंट बहुत बढ़िया चैनल पर आया है। कमेंट तो सिंपल है लेकिन स्पेशल कमेंट। अब स्पेशल क्यों है वो आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, कमेंट किया है मधुमिता श्रीवास्तव जी ने, कमेंट मुझे किया है मधुमिता श्रीवास्तव जी ने। 41 की एज है और 1000 रुपए SIP है, शुरू करना चाहती है। देखिए, कमेंट स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक महिला का कमेंट हमारे चैनल पर आया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ अगर हाउसवाइफ भी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों का मन है, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, हम वीडियोस देखकर सीख रहे हैं, हमें भी SIP शुरू करनी चाहिए, तो बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से करूंगा। जब भी आप कमेंट करें, बस अपनी एज और इन्वेस्टमेंट का जो आपका अमाउंट है वो मुझे कमेंट में जरूर लिख दें, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके हिसाब से बेस्ट प्लान आपको मैं सजेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो से सीखते हैं और इन्वेस्ट अपना अमाउंट, आप पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे सही में बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार, लोगों को जागरूकता लोगों में आ रही है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा बेनिफिट वो यहाँ से बना सकते हैं, और खासकर महिलाएं अब इसमें आगे आ रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं पैसे को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये कमेंट पढ़कर पर्सनली बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखिए कमेंट तो बहुत आते हैं चैनल पर लेकिन सभी जेंट्स लोगों के कमेंट ही आते हैं, तो लेडीज कमेंट्स बहुत कम आते हैं। तो आज कमेंट आया, मैंने पिक किया है कमेंट, तो इनके लिए, मैम के लिए आज बढ़िया सी एक SIP सिलेक्ट करेंगे। इनके कमेंट में इन्होंने जो बताया है, 1000 रुपये महीना की इन्हें SIP शुरू करनी है 41 की एज में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्पेशल स्वागत करता हूं आज अपने चैनल पर। चलिए बात करते हैं आज के कमेंट की। देखिए मैम, आपकी एज 41 की है, 1000 रुपये महीना की आपकी SIP है, तो यानी कि आप लगभग लगभग 20 साल के आसपास SIP को चला सकती हैं, 15 से 20 के आसपास आप ड्यूरेशन इसकी रख सकती हैं। एक बहुत ही बढ़िया प्लान आपको बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया फंड आपको बताऊंगा, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। और देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटर्न्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज पर एकदम से हमें विश्वास होता भी नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 साल या 2 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, रिटर्न्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं, फंड सिलेक्शन मेरा ठीक है, तो आप इसमें स्टेप अप भी कर सकते हैं। इसमें आप अमाउंट को हर साल इंक्रीज भी धीरे धीरे आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सीधे आपके टॉपिक की। आपकी जो एज है अभी 41 इयर्स की है, ठीक है, आपको जो SIP करनी है वो करनी है 1000 रुपीज पर मंथ की। देखिए, आपकी जो एज है इसके हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क में नहीं जाना चाहते तो आप मिड कैप कैटेगरी के फंड को चूज कर सकते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या है, रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं लेकिन फंड्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिस्की वो फंड होते हैं। अगर आप उसके साथ नहीं जाना चाहते तो मिड कैप कैटेगरी आपके लिए बढ़िया रहेगी। अब देखिए, मिड कैप कैटेगरी में कौन सा फंड आपके लिए बढ़िया रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फंड मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, फंड बहुत अच्छा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं फंड के, ओवरऑल फंड आपको लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। फंड का नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। फंड का नाम मैं लिख देता हूं, फंड का नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। एक सर का कमेंट दोस्तों आया था चैनल पर, उनका कहना है कि सर आप स्पीड थोड़ी सी स्लो है समझाने की, आप थोड़ा सा फास्ट समझाइए। देखिए, अगर स्पीड थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगा ना तो हो सकता है कुछ चीजें आपसे मिस हो जाए या कुछ चीजें बताने में मुझसे मिस हो जाए। उससे अच्छा है कि वीडियो अगर 1-2 मिनट हमारी लेंथ बढ़ भी रही है, टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का ये टॉपिक है, एंटरटेनमेंट की वीडियो ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी इसको फटाफट से बना के आपको एंटरटेन करके निकल जाऊं। बहुत ही ध्यान से समझने वाली ये चीजें हैं। चलिए बात करते हैं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका फंड साइज देखेंगे, कैसा हमें देखने को मिलता है। देखिए, फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो और होल्डिंग से 3 पैरामीटर से हमें देखने बहुत जरूरी है किसी भी फंड में। अगर आप ये चीजें देख लेते हैं तो आप लोग खुद से भी एक अच्छा फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फंड साइज की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है 36,528 करोड़ रुपए का। इतना पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट
कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया इस फंड में देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए ये फंड मुझे ज्यादा अच्छा लगा, 0.38%, बहुत ही कम है ये। तो ये बहुत, जितना ये कम होगा उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, एक्सपेंस रेशियो में क्लियर कर दूं जिन लोगों को नहीं पता है, एक्सपेंस रेशियो कुछ खर्चे होते हैं जो फंड मैनेजर द्वारा हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं, वही होता है एक्सपेंस रेशियो। तो जितना ये खर्चा हम कम देंगे एएमसी कंपनी को, फंड मैनेजर को, उतना ही बेनिफिट लॉन्ग टाइम में हमें होता है। चलिए होल्डिंग्स की बात करते हैं कि पैसा हमारा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा और किस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स दिखेंगे कि मिड कैप कंपनीज में कितना पैसा इन्वेस्ट है, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट है और लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट इन्होंने किया हुआ है। देखिए, मिड कैप में 66.58% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में 11.51% और लार्ज कैप में 15.49%। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो यहां तैयार होगा, पैसा आपका इस तरह से इन्वेस्ट किया जाएगा। थोड़ा क्लियर मैं आपको और कर देता हूं। देखिए, मिड कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक होती है। तो आपका 66% पैसा मिड कैप साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें 101 से लेकर 250 तक जाती है। स्मॉल कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर आगे तक जाती है, तो वहां आपका पैसा 11% इन्वेस्ट किया जाएगा। और इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में 15.49% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पैसा आपका इस तरह से यहां इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए दोस्तों, लास्ट के 1 ईयर रिटर्न्स, 3 ईयर रिटर्न्स, 5 ईयर रिटर्न्स भी हम लोग वैसे तो देख लेते हैं हमें कितने मिले हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में ओवरऑल रिटर्न इस फंड ने क्या बनाकर दिया है उस पर मेरा हमेशा फोकस रहता है। उसका रीजन ये है कि हमें एक ओवरऑल रिटर्न देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर रिटर्न की बात करूं, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करूं, 27% के हमें देखने को मिले हैं। लास्ट के 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करूं, 24% के हमें देखने को मिले हैं। लेकिन हम इन रिटर्न को लेकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि हम पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक देखिए, फंड की जो एज है 10 साल 11 महीने, लगभग इन 11 सालों में इस फंड ने हमें एक ओवरऑल रिटर्न क्या दिया है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमें देखने को मिला है 20% का, 20% का रिटर्न इस फंड ने 11 साल की ड्यूरेशन में, एक ओवरऑल रिटर्न की बात कर रहा हूं, वो हमें बनाकर दिया है। वैसे लास्ट के 3 ईयर 5 ईयर के आप रिटर्न देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी कैलकुलेशन करें तो एक ओवरऑल रिटर्न हमें जरूर देखना चाहिए, तभी फंड की हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस है या नेगेटिव परफॉर्मेंस है कैसी है वो हमें पता चलती है। चलिए देखिए, होल्डिंग्स की बात हो गई, एक्सपेंस रेशियो की बात हो गई, फंड के बारे में एक रिव्यू मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप समझ सकते हैं कि फंड ये कैसा है। बाकी देखिए, अगर मैं आपको कंपनी वाइज होल्डिंग्स थोड़ी बहुत आपको मैं बताऊं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, जेके सीमेंट, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें आपको कुछ बड़ी कंपनियां भी देखने को मिलेंगी और कुछ छोटी कंपनियां भी देखने को मिलेंगी। जैसे वर्लपूल में भी है, एक्साइड में भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में भी किया हुआ है, बाटा में भी किया हुआ है, ब्लू स्टार के स्टॉक्स में भी किया हुआ है। तो फंड सिलेक्शन फंड मैनेजर ने काफी बढ़िया बनाया हुआ है, इसीलिए रिटर्न भी हमें पास्ट में अच्छे देखने को मिले हैं। चलिए, अब ये हो गई फंड की बात, अब बात करते हैं SIP की। देखिए, 1000 रुपीज पर मंथ की SIP अगर यहां पर शुरू की जाती है, रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए 20% का एक औसत रिटर्न हमें देखने को मिला है पिछले 11 साल में। अब हम अगले 15 से 20 साल के लिए SIP शुरू कर रहे हैं, हम इस रिटर्न को आधार मानकर चलेंगे, फिर भी रिटर्न में और घटा देता हूं, 18% का हम लोग लेकर चलेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। हो सकता है हमें 18 से ज्यादा ही मिले, 20 भी मिल सकता है, 21-22 भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें 20 से कम मिले, इसलिए रिटर्न्स में पहले ही थोड़े से घटा कर चल रहा हूं। देखिए, रिटर्न्स की गारंटी इसलिए नहीं होती, फिक्स रिटर्न्स यहां पर नहीं होते, क्योंकि पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटी में रिटर्न्स में हमेशा ही आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, रिटर्न्स ज्यादा भी होंगे, कई बार कम भी होंगे।
इसीलिए पिछले जो 10 साल में एक औसत रिटर्न है उसके हिसाब से मैंने 2% रिटर्न और घटाकर चल रहा हूं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं रिटर्न यहां पर लेकर चल रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन यहां पर रख लेते हैं 20 इयर्स। 20 इयर्स की ड्यूरेशन हम यहां रख लेते हैं। तो इन 20 साल में आपका टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू आपको क्या देखने को मिल सकती है, उसके लिए SIP कैलकुलेटर की थोड़ी सी मैं यहां पर हेल्प लूंगा ताकि सही एक अमाउंट मैं आपको बता सकूं। देखिए 1000 रुपए महीना, 18% का रिटर्न मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर रखा है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए का हो जाएगा, 2.40 लाख। और जो फाइनली वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 23.43 लाख, 23,43,000 रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और अभी दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा सा वीडियो में जाइएगा नहीं, मैंने एक चीज आपको वीडियो में और बताई थी कि आप चाहें तो एक स्टेप अप SIP भी कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए अच्छा लगता है कि ठीक है SIP के रिटर्न्स अच्छे हैं, मुझे इन्वेस्ट इसमें बढ़िया और भी करना चाहिए, तो आप इसी SIP में एक स्टेप अप भी लगा सकते हैं। देखिए स्टेप अप के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन कितनी बढ़िया बैठेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 साल के लिए अगर आप इसमें 200 रुपए का स्टेप अप लगा देते हैं, 200 रुपए का स्टेप अप आप अगर स्टेप अप कर देते हैं 200 रुपए पर ईयर का, तो वैल्यू आपकी 39 लाख रुपीस तक जा सकती है। जी हाँ, तो अगर आपको SIP में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद पॉजिटिव लगता है कि नहीं SIP में है पोटेंशियल, अच्छे रिटर्न्स SIP बना रही है, तो आप स्टेप अप भी लगा सकते हैं। स्टेप अप लगाने से वैल्यू आपकी काफी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था आज हमारी तरफ से कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन हो, जैसे आज मैम का कमेंट था, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी SIP आप शुरू कर सकते हैं। बाकी देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी रिसर्च करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।